स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि सेल क्या था, सेल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर सेल वॉल क्या था, सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा था, सेल वॉल का फंक्शन क्या था, ये सब चीजों के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग जान चुके हैं, लास्ट दो क्लास में। आज हम लोग जानेंगे कि सेल वॉल के अंदर की तरफ एक और स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है सेल मेम्ब्रेन, और आज हम जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका क्या फंक्शन है, ये किस तरह से फंक्शन प्ले करता है अपना, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले बात करें कि सेल मेम्ब्रेन है क्या। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेकिन वो प्लांट सेल के केस में आउटर मोस्ट नहीं है, वो आउटर मोस्ट है एनिमल सेल के केस में। अगर हम बात करें दोनों का स्ट्रक्चर के बारे में, प्लांट सेल और एनिमल सेल दिखता कैसा है, तो प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात कर चुका है, आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है इसका, प्लांट सेल के केस में आउटर मोस्ट कवरिंग होता है हमें क्या समझ में आ रहा है, इसलिए हमें ये समझ आ रहा है कि अगर ये हम बोले प्लांट सेल है, प्लांट सेल के केस में आउटर मोस्ट कवरिंग यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट सेल के केस में है सेल वॉल। लेकिन वहीं पर अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के केस में आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, और आज हमें पढ़ना है यही मेम्ब्रेन के बारे में जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। और अगर पूछा जाए सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमें क्या समझ आया कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के केस में आउटर मोस्ट कवरिंग है, लेकिन एनिमल सेल के केस में अगर बात करें तो आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल नहीं होती बल्कि सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो क्या प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, नहीं, प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होती है लेकिन वो सेल वॉल के अंदर की तरफ होगी, सबसे बाहर की तरफ नहीं होगी, आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं होगी बल्कि वो आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल के अंदर की तरफ होगी, कौन, सेल मेम्ब्रेन, ये वाली है सेल मेम्ब्रेन इन केस ऑफ प्लांट सेल। और सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या है, सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब हम लोग को ये जानना है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये किस चीज से मिलकर बना है। इसके पहले हम लोग एक बार इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या लिखना आपसे देखते हैं, द थिन फ्लेक्सिबल सेमी परमीएबल लिविंग मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द प्रोटोप्लाज्म। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये थिन फ्लेक्सिबल लिविंग मेम्ब्रेन है। तो जैसे कि मैंने लास्ट ये कहा था क्या, कि अगर कोई चीज लिविंग है तो वो हमेशा थिन होगी, अगर कोई चीज डेड है तो वो हमेशा थिक होगी, और जो थिक होगी वो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी। तो क्या सेल मेम्ब्रेन कोई प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगी, वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, लेकिन उतना प्रोटेक्शन नहीं देगा जितना प्रोटेक्शन सेल वॉल दे रहा था। क्यों, क्योंकि सेल वॉल एक थिक लेयर था और सेल मेम्ब्रेन एक थिन लेयर है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेमी परमीएबल लिविंग मेम्ब्रेन, सेमी परमीएबल, याद करो कि सेल वॉल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेल वॉल एक परमीएबल मेम्ब्रेन थी, सेमी परमीएबल नहीं थी, एक परमीएबल मेम्ब्रेन थी। मतलब क्यों परमीएबल, क्योंकि उसके थ्रू कोई भी चीज इजीली अंदर आ सक रहा था, अंदर से कोई भी चीज इजीली बाहर जा सक रहा था। लेकिन ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो वैसी नहीं होती, इसके थ्रू कुछ भी अंदर आ जाए कुछ भी बाहर चला जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे सेल मेम्ब्रेन के, यहाँ पे हमको कुछ लिमिटेशंस देखने को मिलेंगी जिसके वजह से हमें ये पता चलेगा कि उसमें कुछ सर्टेन थिंग्स ही है, ऐसी कुछ कुछ चीजें ही ऐसी है जो उसके अंदर डिजॉल्व हो सकती है, उसके अंदर वो आने देगी सेल के अंदर, और कुछ चीज को ही वो सेल के बाहर जाने देगी, हर किसी को वो अंदर बाहर करने नहीं देगा। इसका रीजन क्या है अभी हम उसके स्ट्रक्चर के थ्रू जानेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक लिविंग मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन क्यों बोल रहा है, ऑब्वियसली बात है अगर एक थिन मेम्ब्रेन है तो एक लिविंग मेम्ब्रेन होगा, और लिविंग मेम्ब्रेन होने का रीजन क्या है अभी स्ट्रक्चर से जानेंगे हम लोग। बोल क्या रहा है कि दैट सराउंड द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, ये क्या करता है सेल के प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करता है। अभी लास्ट डे हमने क्या बताया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, अंदर में जो भी न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साथ जो साइटोप्लाज्म है दोनों को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। अगर हम यहाँ पर बना दें न्यूक्लियस और साथ में बना दें यहाँ पे
तो ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर हम क्या करेंगे, प्रोटोप्लाज्म। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्रोटोप्लाज्म को एक तरह से सराउंड करके रखती है। कौन? ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस दोनों को एक साथ हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, ये प्रोटोप्लाज्म को एक तरह से सराउंड करके रखता है, एक तरह से उसको प्रोटेक्शन देता है। आगे क्या बोल रहा है, इट्स कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लाइज एज द एक्सटर्नल कवरिंग लेयर ऑफ द एनिमल सेल। यहाँ पे भी सेम चीज कह रहा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक्सटर्नल कवरिंग तो है, लेकिन किसके केस में, एनिमल सेल के केस में। प्लांट सेल के केस में एक्सटर्नल कवरिंग नहीं होता, प्लांट सेल के केस में एक्सटर्नल कवरिंग सेल वॉल होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, बट इन प्लांट सेल द मेम्ब्रेन लाइज बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड द सेल वॉल। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्लांट सेल के केस में सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लांट सेल के केस में सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर जो सेल वॉल है और अंदर की तरफ जो प्रोटोप्लाज्म है, दोनों के बीच में प्रेजेंट है कौन, सेल मेम्ब्रेन। मतलब प्लांट सेल के केस में सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर नहीं है, कहाँ पे है, बाहर में प्रेजेंट सेल वॉल और अंदर में प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्म, दोनों के बीच वाले जो लेयर है उसको हम लोग कहेंगे सेल मेम्ब्रेन इन केस ऑफ प्लांट सेल। अब आगे देखें यहाँ स्ट्रक्चर के बारे में क्या बोल रहा है। स्ट्रक्चर के बारे में बोलने से पहले एक बार हम इधर देखें, अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में इधर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जो पहले एक सर्कल था ये अगर हम बोल लें कि ये था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली एक ट्रांसवर्स सेक्शन अंदर काट लिए ऐसे देखिए, और इसको काट कर एकदम हम लोग फैला कर खोल कर देखें ऐसे ऐसे यदि खोल कर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें ये दिखेगा कि ये पतला सा दिख तो एक सिंगल मेम्ब्रेन रहा था, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख एक सिंगल मेम्ब्रेन रहा था लेकिन उसके अंदर तीन लेयर है। कौन कौन सी तीन लेयर है, बाहर की तरफ जो ऑरेंज कलर में यहाँ पे ड्रॉ है, ये लेयर और ये लेयर, ये दोनों लेयर को हम लोग एक साथ कहते हैं प्रोटीन लेयर, प्रोटीन लेयर। और अंदर की तरफ जो येलो कलर की लेयर है इसे हम कहेंगे क्या कहेंगे, क्या लिपिड लेयर, इसे हम कहेंगे लिपिड लेयर। तो क्या बोले, ये जो एक सिंगल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें दिख रही है वो एक्चुअल में एक मेम्ब्रेन है लेकिन वो बनी हुई तीन लेयर से है। कौन कौन सी तीन लेयर, जो दोनों बाहर के साइड में जो लेयर है उसे हम कहेंगे प्रोटीन की लेयर है, और जो अंदर के साइड में एक सिंगल लेयर है उसे हम कहेंगे वो लिपिड की लेयर है। तो यहाँ पे तीन लेयर किससे बनी हुई है, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, मतलब पहले प्रोटीन की लेयर आएगी, फिर लिपिड की लेयर आएगी, फिर से प्रोटीन की लेयर आएगी। तो ये तीन लेयर की वजह से बनी है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे अगर देखें इसके स्ट्रक्चर को, तो ऐसा होता है कि जो लिपिड की लेयर होती है इसका जो हेड होता है वो अंदर की तरफ होता है, इसका जो हेड होता है वो अंदर की तरफ होता है और इसका जो टेल होता है वो बाहर की तरफ होता है। ये क्या है, ये हमारा लिपिड का लेयर, लिपिड के लेयर में इसका जो हेड है वो अंदर की तरफ है और इसका जो टेल है वो बाहर की तरफ है। टेल को मैं डिस साइड से भी बना दी, ये ऐसा ही दिखेगा। तो इससे हमें क्या समझ आया कि ये लिपिड के लेयर में जो उसका हेड वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ है और बाहर कौन सा पार्ट है, जो टेल वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ है। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि ये जो पार्ट बाहर की तरफ है, जो टेल वाला पार्ट है उसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, और जो पार्ट अंदर की तरफ है ये हेड वाला पार्ट उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो इससे हमें क्या समझ आया, ये लिपिड की लेयर दो चीजों से मिलकर बनी है, एक बनी है हेड वाले पार्ट से और एक बनी है टेल वाले पार्ट से। जो टेल वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ रहता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, और जो हेड वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ रहता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रो
फोबिक पार्ट। आप बोलेंगे हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है? हाइड्रोफिलिक मतलब वो हुआ जो पानी से प्यार करता हो, वाटर लविंग हो, और हाइड्रोफोबिक क्या हुआ? जो वाटर को हेट करता हो, मतलब पानी से दूर भागता हो। तो पानी से जो दूर भागता है उसे हम कहेंगे वाटर हाइड्रोफोबिक पार्ट, और जो पानी से प्यार करता हो, जो पानी के पास जाना चाहता हो, उसे हम कहेंगे हाइड्रोफिलिक पार्ट। तो ये वाला पार्ट जो टेल वाला पार्ट है, ये है हाइड्रोफिलिक पार्ट हमारा, और जो हेड वाला पार्ट जो अंदर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, एम्बेडेड मतलब धंसा हुआ है, उसे हम कहेंगे हाइड्रोफोबिक पार्ट। अब अगर पूछेंगे कि ये मेम्ब्रेन ऐसा बनाने का जरूरत क्या था,